अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं। कराची वाला यूट्यूब चैनल की तरफ से हाज़िर हूं मैं आज एक नई वीडियो लेके, जिसमें आपको बताऊंगा इम्प्रेस मार्केट के बारे में हिस्ट्री। तो इम्प्रेस मार्केट है, बहुत ही कदीमी पुरानी मार्केट है, ये मशहूर है, कराची सदर में है। अभी जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ वो है शाहराए लियाकत, उसी रोड पर मैं खड़ा हूँ, नोमान शॉपिंग सेंटर और दिलदार शॉपिंग सेंटर के पास। तो ये सामने जो ये देख रहे हैं आप, ये इम्प्रेस मार्केट है। मज़ीद मैं इम्प्रेस मार्केट की उस साइड चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें बाहर पे, ये जो लेडीज़ होती है जो गरीब घराने की, ये यहाँ पे सेल करती है ड्राई फ्रूट यहाँ पे रख के। दुकानों के दाम से यहाँ पे सस्ता मिलता है, और अंदर भी यही ड्राई फ्रूट वगैरह, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको सब्जियां भी मिलेगी, ताज़े फल फ्रूट भी मिलेंगे, इसके अलावा गोश्त भी मिलेगा, और खाने की अशियात है जैसे घी, चावल, आटा, चीनी, वो भी सब चीज़ें मौजूद हैं। उससे लेके आपको ऐसे समझो कि जनरल स्टोर का लुक सेम चीज़ें यहाँ मिलेगी, ऐसे समझो कि ये पूरा मार्केट एक जनरल स्टोर है। तो ये बाहर देख सकते हैं, यहाँ बाहर बड़ा पार्क लगा हुआ है, यहाँ पे लोग जैसे शाम के टाइम आते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पार्क की वजह से बहुत ठंडक होती है। और ये आप देख रहे हैं, ये मैं अभी इम्प्रेस के गेट पे हूँ, इंटर गेट पे। यहाँ पे ये देखें नारियल है, और यहाँ पे ये चावल दालें वगैरह पड़ी है, और ये टोकरियाँ हैं। और ये देखें आप, ये जो अचार होता है बनता है, जैसे मिर्ची का और आम का, जैसे बहुत सारी चीज़ों का बनता है वो, और ये कीड़े मकोड़े मारने की दवाई देता है। यहाँ पे बहुत रश लगी होती है, यहाँ पे अक्सर बाहर के जो लोग होते हैं वो मशहूर होने के काबिल वो भी होते हैं। तो आज ये ईद का दूसरा दिन था, तो इसी वजह से यहाँ पे रश नहीं है, ना ही कोई बाहर का ग्राहक है, तो इसलिए मुझे टाइम मिला तो मैंने बोला वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। यहाँ पे आपको खास चीज़ें मिलेगी अच्छी, कोई मिलावट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, इसलिए आप, मैं कभी दिखाऊंगा आपको दोबारा कि यहाँ पे क्या होता है, कि जो बाहर के कस्टमर आते हैं किस तरह ख़रीदारी करते हैं, वो भी आपको रिव्यू दूंगा। ये देखिए नारियल जो होते हैं वो भी पड़े हैं, और सामने वो जो आलू प्याज वगैरह सब्ज़ियाँ रखी हुई है, ये देखें आप दे सकते हैं, ये ताज़ी सब्ज़ी होती है यहाँ पर फ्रेश, जो एक अच्छी साफ़ सुथरी होती है। और ये तेल निकाल वाला है, जैसे नारियल वगैरह का जो नारियल का तेल निकालते हैं, कोकोनट ऑयल वगैरह, वो यहाँ से निकालते हैं। ये एक हैंडमेड मशीन होती है, मशीन क्या बोलें इसको। और ये सब्ज़ियाँ भी पड़ी है, आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह सब चीज़ें हैं, कद्दू है। तो आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं, ये वही है जो आयल वगैरह निकालते हैं, ये ड्राई फ्रूट है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी शॉप है ड्राई फ्रूट की, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ये चीज़ें अच्छे साफ सुथरी मिलेगी आपको, फॉल्स चीज़ें मिलेगी। इनके अलावा ये देखो कितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इसी वजह से ये इम्प्रेस मार्केट मशहूर है कि यहाँ खास चीज़ें मिलती है अच्छी। ये कराची ड्राई फ्रूट के नाम से इसकी शॉप है भाई की, ये बिल्कुल ही मेन पे है, अंदर कॉर्नर पे शॉप है, ये आप देख सकते हैं सब चीज़ें हैं, मैं आपको अच्छी तरीके दिखाता हूँ ताकि आपको भी समझ आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर ऐसी नई वीडियो अपडेट मिलती जाए। आगे चल के मैं और बहुत सारी ऐसी जो प्लेस है कराची के मशहूर, वो आपको विज़िट कराऊंगा। अभी ये मेरे सामने ही नारियल का तेल निकाला है, ये आप देख सकते हैं, इसमें अभी ये मेरे साथ ही सामने निकाला नारियल का तेल, ये देखें बोतलें पहले से अवेलेबल है, भरी हुई है। अगर कोई बोलता है कि हमें आंखों के सामने दिखाओ, तो ये देख सकते हैं, ये आज निकल रहा है नारियल का। और ये एग्ज़िट गेट है, अभी मैंने विज़िट करवाया आपको, अभी मैं वापस बाहर जा रहा हूँ, और बाहर से दूर से भी आपका इसका व्यू दिखाता हूँ इम्प्रेस मार्केट का। अभी जो मैं हूँ वो रेनबो सेंटर की साइड पे हूँ, एग्ज़िट गेट पे।